जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट टीओ। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डिस्कस करूँगा जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इंजीनियर्स और कंपनीज फिर्म ओनर्स को फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्च किया है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप प्ले स्टोर में जाके PEC लाइव लिखेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नज़र आएगी। अगर आप वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें मतलब उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंजीनियर रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई किया जा सकता है, अगर आपकी कंपनी या फिर्म है, अगर आप कंपनी या फिर्म की रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, चाहे कंस्ट्रक्टिंग फिर्म है, चाहे ऑपरेटिंग फिर्म है, चाहे कंसल्टेंसी है। और इसके अलावा सबसे मज़े की बात है जो कि आप कहीं भी नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पर, ना तो किसी और प्लेटफार्म पर। जब आप किसी भी कंपनी कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग या कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराते हो या रिन्यूअल के लिए आप एप्लीकेशन जमा कराते हो, अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो आप उसको सिर्फ जो है ना PEC लाइव ऐप जो है ना, वहाँ से आप उसकी स्टेटस जान सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन है कहाँ तक जो है ना प्रोसेस हो चुकी है या कब तक जो है ना आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो मतलब ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मैं समझता हूँ। और इसके अलावा किस कंपनी या फिर्म की, चाहे वो कंस्ट्रक्टिंग है, चाहे ऑपरेटिंग है, चाहे कंसल्टेंसी है, किस कैटेगरी की फिर्म के लिए जो फ़ी है वो कितनी है, और इसके अलावा उस पर जो है ना काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है ना मतलब और जो ज़रूरत की जो है ना काफ़ी सारे टूल्स हैं वो आप उससे अवेल कर सकते हैं। जो इसका एंड्रॉयड ऐप का जो नाम है वो है PEC लाइव। तो ये मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा, वहाँ मैं इसको डाउनलोड भी करूंगा और मैं आप लोगों को एक डेमो भी दूंगा कि आप PEC लाइव ऐप जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इंजीनियर्स को और फिर्म कंपनीज ओनर को फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्च किया है, आप उसको कैसे अवेल कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और उसके अलावा जो कुछ मैं बता चुका हूँ उससे, इसके अलावा और भी उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो क्या क्या फ़ायदे हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वाले से मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, तकरीबन 30+ हैं, जिसमें न्यू फिल्म रजिस्ट्रेशन है, फिल्म रिन्यूअल है, जिसमें कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के हवाले से मैंने बात की हुई है, फ़ी आप कैसे जमा करवाते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा MS PhD अगर आपने की हुई है, आप डिग्री की इंडोर्समेंट कैसे करा सकते हैं, और प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से आप लोगों के जितने भी सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, जो भी आप पूछते हैं, मैं इनका जवाब अपने इसी यूट्यूब चैनल पर देता होता हूँ। आप उसके प्लेलिस्ट में जाके आपको PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस और बैंकिंग के हवाले से भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता होता हूँ, उसके लिए भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मुतलका प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्ले स्टोर है ये आप ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च करेंगे PEC, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एब्रीवेशन है, या आप PEC लाइव भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने PEC सर्च किया तो टॉप पे आप देख सकते हैं PEC लाइव, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की लॉन्च्ड ऐप है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ ओपन और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, तो ओपन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ, नीचे आप देख सकते हैं कि इंडिकेशन आ रही है, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ से तो ये ओपन नहीं होगा, उसको मैं मिनिमाइज़ करके ऐप से ही ओपन करूँगा ताकि मैं आप लोगों को इंटरफेस दिखा सकूँ उसकी। तो यहाँ से जब मैं PEC लाइव, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की लॉन्च ऐप है, यहाँ की से मैंने जैसे ही ओपन की है, तो यहाँ आप डैशबोर्ड पे बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। हमारे पास डैशबोर्ड है जो कि टॉप पे है, और इसके अलावा डैशबोर्ड में चाहे आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इनको ओपन करें, चाहे आप जो है ना यहाँ से देखें, तो बात एक ही है। तो यहाँ अगर आप इसको रजिस्टर करना चाहें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके यहाँ तस्वीर लगाएंगे, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इंटर करके आप ख़ुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड किए बगैर भी आप इस ऐप को वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई रजिस्टर्ड पर्सन इसको यूज़ कर सकता है।
तो मतलब यह है कि अगर आप इसको डिसाइड करना चाहें तो आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप ना भी करना चाहें तो आप इसको अवेल या यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन है ये वेरिफिकेशन का है। तो जैसे ही आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंजीनियर रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करते हैं तो वैसे ही आप यहाँ से कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टिंग जो कंपनीज फर्म्स हैं वो आप जो है ना वेरीफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह कंसल्टिंग फर्म्स भी जो है ना आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं ऐसे ही जो है ना इंटर करूँ सिविल, और वैसे ऐसे ही खामखा मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है ना यहाँ नंबर इंटर कर दिया, तो यहाँ मैं वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो है ना इंजीनियर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्टिंग फर्म्स को वेरीफाई करना चाहें तो आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके किसी भी कंपनी को वेरीफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप कंसल्टेंसी की रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसमें वो अगर आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए अप्लाई की है तो रजिस्ट्रेशन ऐप ट्रैकिंग में जाके आप इंजीनियर ने अगर आप इंजीनियर हैं अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है तो आप अपने एप्लीकेशन को भी यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने किसी कंपनी या फिर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की है जो आपको ट्रैकिंग नंबर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से मिला, उसकी भी आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से जो है ना ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास न्यूज़ एंड इवेंट्स है, और फ़ी स्ट्रक्चर में जाके आप जो है ना एप्लीकेशन फ़ी, इंजीनियर रजिस्ट्रेशन फ़ी, कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग फर्म्स की फ़ी, कंस्ट्रक्टिंग इंजीनियर की फ़ी, और मतलब आप इंजीनियर रजिस्ट्रेशन फ़ी भी यहाँ आप स्केड्यूल चेक कर सकते हैं। और इसी तरह आप कंपनी फर्म्स की रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी फर्म की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है। तो सेम इसी तरह जो है ना फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करके जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और अगर आप पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक पे क्लिक करके यहाँ आप उनको फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इसमें अगर सबसे यूनिक बात है इस ऐप की वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंजीनियर रजिस्ट्रेशन के अलावा जो कंपनी या फिर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफार्म अवेलेबल नहीं है जहाँ से आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें, जहाँ से आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन को ट्रैक कर सकें कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक प्रोसेस हो चुका है। तो ना तो आप वेबसाइट से ट्रैक कर सकते हो, ना तो आप कहीं और से ट्रैक कर सकते हो, या तो आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की हेड ऑफिस या जो है ना रीजनल ऑफिस विज़िट करके आप तो जान सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक जो है ना पहुँच चुकी है। तो इसके अलावा आप वेबसाइट पे भी चेक नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद ऐप है जहाँ से आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन को जो है ना ट्रैक कर सकते हो कि आपकी जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल है उसकी जो है ना प्रोसेस कहाँ तक वो हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी एक बेहतरीन ऐप है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने लॉन्च किया है। तो आप इस तरह इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसको जो है ना अवेल कर सकते हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी भी बना चुका हूं, वो भी आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा FBR, SCCP, बिज़नेस और बैंकिंग के हवाले से भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। इसके लिए आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगा। ये दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने जवाब।